मजबूत था, साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी उसका भंजन कर दिया। बस इतनी ही कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे हर युग में गुरु की पहचान, चेहरे की पहचान छिपी हुई है, वो तुमने नहीं पढ़ी है। तो विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे, देखो प्रेमी और सभा के बीच में बैठे, लेकिन गुरु विश्वामित्र को उनके चेहरे राम को किसी ने पहचान नहीं पाया। गुरु चेहरे की पहचान किसी को नहीं होती। और उस समय बड़े बड़े वो ब्राह्मण रावण 4 में 6, 7, 18 पुराणों का गया था, वो भी गुरु विश्वामित्र को नहीं पहचान पाए, न चेहरे राम को। बलवान महासुर भी नहीं पहचान पाए। वो बार ब्रह्मचारी परशुराम पूरी रात चेहरे से झगड़े करते रहे, वो भी नहीं पहचान पाए गुरु को, न चेहरे को। सब अपनी अपनी ताकत अजमा रहे हैं, लेकिन वो धनुष किसी से उठा ही नहीं, तोड़ा तो छोड़ दो, उठा भी नहीं। जब नहीं उठा तो वो बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए, जो अपने को धनवान बलवान बुद्धिमान कहते थे, इसी शर्मिंदगी में उनको क्रोध आ गया। प्रेमियों, जब मानव के शरीर में क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाता है, ये क्रोध जला देता सब, इतना खतरनाक शत्रु है आपके शरीर में। तो जब किसी से नहीं उठा तो लोगों ने कहा उठो उठो हजारों योद्धा, इधर उसको तोड़ के फेंक दो। प्रेमियों, मर्यादा भंग हो गई, और जो व्यवस्था जनक ने बनाई थी एक एक योद्धा अपनी शक्ति का परिचय देगा, वो तो व्यवस्था खत्म, कहा हजारों योद्धा उठो। लेकिन जहां पर गुरु बैठा है समय का, वहां जगन्नाथ अपराध नहीं होने देता। यह गुरु की अप्रत्यक्ष दया का प्रमाण है। विश्वामित्र जी बैठे वहां समय के, वो भी हजारों योद्धा उठाने के लिए धनुष को चले। गोस्वामी महाराज लिखते सहज भूम समय कई मारा, उठे उठा मंटरे नटारा, हजारों योद्धा उठे वो भी नहीं उठा पाए। देखिए, काम जिसके द्वारा होता उसी के द्वारा होगा। डींग मारने से, शोर मचाने से और स्वार्थ लोभ लालच छल करने से कार्य नहीं होता, वो तो कार्य जिसके नाम लिखा है वही करेगा। जिसने इतिहास बनाने का वादा किया, कहा था बच्चा कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे, ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। गुरुदेव, गुरु की जब पहचान नहीं कर पाए तो सदगुरु को कौन पहचानेगा। ये तो सदगुरु की बात है। जब गुरु विश्वामित्र वो सामाजिक पारिवारिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे। आत्मिक गुरु को सदगुरु कहते हैं, और शरीर की शिक्षा, शरीर को लाभ मान सम्मान दिलाने वाले गुरु कहते हैं। प्रेमियों, जब गुरु को लोग नहीं पहचान पाए तो सदगुरु को कौन पहचानेगा। जब सब हार गए तब राजा जनक रोने लगा, ये भी बड़ा अहंकारी था, ये अपने को विदेह कहता था। दे लिए घूरा कह, मैं विदेह हूं बिना देखा, कहा मैंने योग के शरीर के 8 अंग मैंने सिद्ध किए, 8 अंग, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग कहा मैंने इनको सिद्ध किया। और रो रहा है, अपने को योगी कह रहा, चले को भी रो रहा, वो भी नहीं गुरु को पहचान रहा, न गुरु के चेहरों को पहचान रहा। रोके क्या कह रहा, वीर विहीन धरा हम जानी, हमने जान लिया धरती वीरों से खाली। जबकि विश्वामित्र का चेहरा, वो महावीर राम बगल में ही बैठा था, लेकिन नहीं पहचान पाए। प्रेमियों, इस संदर्भ को बीच में लाने का मेरा एक ही कारण है, जब उस समय वो वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं पहचान पाया गुरु को,
बाल ब्रह्मचारी परशुराम जी नहीं पहचान पाए और कृष्ण जैसा योगी नहीं पहचान पाया गुरु को। आज का ये शराबी खराबी चरित्रहीन मानो स्वार्थी लोभी लालची कि अब सतगुरु को पहचान लेगा, ये आपको समझदारी रखनी चाहिए। इतिहास हमेशा वर्तमान की मजबूती के लिए खोता है। अपने वर्तमान समय वर्तमान के सतगुरु दयाल अपनी शिष्यता की पहचान के लिए आपको पिछले इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुमने रामकृष्ण के इतिहास का भी उपहास किया है, लिहाजा यह भी सजा का भुगतान तुम्ही को करना पड़ेगा। प्रेमियों और चेहरे को भी नहीं मालूम, दूसरी बात है गुरु बोलता कब। जो इस समय लोग कह रहे बाबा जी क्यों चले गए, क्यों नहीं बोल रहे, डर गए भग गए, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि गुरु की अपने बोलने आदेश की एक मर्यादा है। एक समय मुहूर्त घड़ी चित्तारी सब निश्चित है। विश्वामित्र चाहते तो राम को पहले आदे दे के धनु तोड़ा देती, लेकिन प्रेमियों सब झगड़ा करते, कहते क्या इनका ही चेहरा बहादुर था, क्या हम नहीं ये काम कर सकते थे। इसलिए गुरु सबको मौका देते हैं, सबको मौका दिया। जब सब हार गए, गोस्वामी महाराज लिखा है कहकर चले सब दंड प्रणामा, सबको बना एक कार चूर हो गया और धनु को दंडवत प्रणाम करके चलने लगे। तब गुरु ने देखा मेरे बोलने का समय उचित है। देखो गुरु कब बोलता है, कब आदेश देता है, कब लोगों की समझ में आता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है कि विश्वामित्र ने अपनी सब बुरी के सुख घड़ी क्या जानी, कि विश्वामित्र समय शुभ जानी अपोले समय मुहूर्त घड़ी है। विश्वामित्र समय सुख जानी, अपना सब मुहूर्त घड़ी जानकर अपने चेहरे को क्या आदेश दिया, उठो राम भंजो सिर चापो। ये नहीं कहा उठो धनु तोड़ो शादी कर लो, कहा नहीं मैं तो ताप जनक प्रताप हूं। जो राजा जनक अपने को प्रतापी कह रहा है आज वो भी दुख के तार दुख से जल रहा है, ये ताप उसको भी जला रहा है, लिहाजा इसके दुख को दूर कर दो। गुरु सतगुरु का आदेश हमेशा जीवों के दुख दूर करने के लिए होता है, लाभ स्वार्थ लोभ लालच पाने के लिए कभी नहीं होता है। लेकिन जब आदेश दिया उनका चेहरा राम शंका में आ गया। अगर शिष्य को अपनी शक्ति का एहसास हो जाए, प्रेमियों अहंकार आते देर नहीं लगती है, इसलिए वह राम को शंका हो गई। क्यों, वो देख रहा सामने कि बड़े बड़े योद्धा धनुष को नहीं उठा पाए, हजारों योद्धा मिलके उठाने गए तब भी नहीं उठा पाए, गुरु ने क्या बगैर सोचे समझे आदेश दे दिया, ऐसी शंका आ गई। प्रेमियों क्या शंका में राम ने गुरु को छोड़ दिया था, किसी और को गुरु बना लिया था या किसी और की शरण में चले गए थे, ये आपको जानकारी यहां से लेनी चाहिए। राम ने क्या किया है कि गुरु ही प्रा में मने मने की ना अब तब राघव उठाए धनु लीना। क्या किया, गुरु को अंदर में प्रणाम किया, कहा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु जी, ये जय पराजय तुम्हारे ही हाथ, आदेश आपने दिया है, आप जाने। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चर के दाम, मोसे पति तपत की तुम मत रखो, ये लाज तुम्हारे ही हाथ है, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसी अपने अंदर शील क्षमा दया संतोष मेरे विवेक, ये भाव जब शिष्य के अंदर आता है तब तो वो गुरु की दया पाने का अधिकारी बनता है।
लेकिन तुम्हारे पास काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष रातों दिन आपको पेरे डालते हैं। इन्हीं से तुम अलग नहीं हो पा रहे हो तब तुम ये सब काम करोगे कैसे? बहुत मुश्किल है। तो कहते कि शंका का समाधान गुरु की शरण में रहकर ही होता है। जब शरण में नहीं होगा, छोड़ के चले जाओगे, तब तुम्हारी शंकाओं का समाधान कर देगा कौन? वहां तो शंकाओं का स्वार्थ लोभ लालच का अंबार भरा पड़ा है, वहां तुम्हें क्या मिलने वाला है? ये हकीकत इसे आपको समझना चाहिए। और यही तुम्हारे साथ आज हुआ। न उस समय लोग जब गुरु को नहीं पहचान पाए, ये स्वार्थी लोभी लालची शराबी कबाबी चरित्रहीन ये मानो क्या सदगुरु को पहचान लेगा? ये छोटी मोटी पहचान का विषय है। गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? जब वो सदगुरु दयाल उस सत्यलोक से इस मृत्युलोक मंडल पर आएगा, इन जीवात्माओं को काल माया के देव में फंसा देखकर जब निकालने के लिए सबको अपना परिचय देता, कहते वही उसको जान पाएंगे जिसको वो जनाएगी। उसमें हमारा ने क्या लिखा? कि सोई जान जानाई और जानत तुम तुम्हें वे जाई। सच्चाई हकीकत का परिचय जब वो परिचय देने वाला आपको देगा, जो सत्य देश से सच्चाई को लेके आया है और इस सच्चे देश में इस जीवात्मा को सच्चे नाम की पकड़ कर आने आया, इनको नाम रूप सत्य रूप पकड़ाने आया है, वही सत्य लोग सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम पहुंचा सकता, बाकी कोई नहीं। ये ऋषि मुनि सब इसी लोगों तक सीमित रहे, ये बेचारा भी नहीं पहुंच पाए। ये भी लोग लालच रात पाठ धन और मान सम्मान में फंस के रहेंगे, क्योंकि जीवात्माओं को जगाने का अधिकार केवल संत सद्गुरु को है और वो इस कलयुग में आए, इसके पहले नहीं आए। संत नाम इसी कलयुग में जब से कबीर दास आए तब से ये नाम सुनने को मिला है। 4 में 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाए दिन में धर्म चर्चा लिखी है, उनमें भी संत नाम नहीं है। कितने बड़े आप भागशाली हो कलयुग में जो आपको संत नाम मिल गया, संत मिल गए, नाम मिल गया और अपने धाम जाने का परिचय भी मिल गया और वो धाम पहुंचाने का वादा भी किया। लेकिन जब तुमने समझ नहीं पाया तो सब धोखा के लिए हो गया। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। इसलिए प्रेमियों हमारी एक ही प्रार्थना है, क्योंकि कलयुग में जीवात्माओं को घर जाने का, अनयुगों में जीवात्माओं को फंसने का, पुण्य कर्मों में फंसाने का काम किया गया, लेकिन संत दयाल देश से आते हैं वो जीवात्माओं को निकालने का काम कर रहे हैं। तुम्हें निकलना है कि फंसना है? अपने घर जाना है कि काल के देश में ये जन्म मरण की मार खा के यहां यहीं पर रहना है? ऐसा विचार करके आपको रखना चाहिए था। लेकिन जब सत्संग वचनों को भूल जाओगे तो फंस जाओगे। इसीलिए कहा करिए नित सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ उन्नत तन पाए। प्रेमियों जीवात्मा भजन से जाती है। जैसे मन को लाभ मिलता है जब तुम पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हो, जब तुम यह गंगा स्नान करते हो, उससे क्या होगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर जीवात्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने की युक्ति है, वो संसार में मान और सम्मान सामान मिलने की युक्ति। दोनों रास्ते आपके सामने रखे गए, मन के, इंद्रियों के और जीवात्मा के, दोनों चीजें। जीवात्मा इस शरीर को चला रही है, जो तुम कहते हो रोटी सब्जी दाल, अगर जीवात्मा निकल जाए फिर रोटी सब्जी दाल इसमें डालो ये खड़ा हो जाएगा?
अरे ये जड़ शरीर का सामान है, रोटी सब्जी दाल फल फूट मेवा दूध मक्खन मलाई की, ये तो शरीर का जड़ है, जड़ का सामान। जब तक चेतन जीवात्मा शरीर में रहेगी तो जड़ सामानों का भी तुम प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जिस दिन चेतन जीवात्मा परमात्मा निकाल लेगा उस दिन ये शरीर जमीन पर गिर जाएगा, फिर ये सारा सामान भी इसके काम नहीं आएगा। इसलिए जड़ शरीर में जब तक जीवात्मा है अपना काम बना लो, अपना काम कर लो, ये समय तुमको बार बार नहीं मिलेगा। तो आप भजन करो। भजन क्या है पहले समझ लो। आंख कान बंद करना भजन नहीं है। आंख कान किस लिए बंद किया जा रहा ये समझना आप। अगर आंख कान बंद करने से भगवान मिल जाता तमाम अंधे बहरे घूम रहे सबको मिल गया होता, ऐसा कुछ नहीं है। पहले समझने की प्रयास करो। आंख कान बंद क्यों किए जाते, क्योंकि जो हमने आपने आंखों से देखा उसी को आपने बसा लिया है, जो कानों से सुना है उसको बसा लिया है। जब साधना पर बैठते हो तो मन वही बसाई हुई फिगरों को बार बार आपको दिखाता रहता, उसी में तुम्हारे मन को भड़काता रहता और तुमको साधना में लगने नहीं देता। साधना माने समझते हो, साधना माने रोकना, साधना माने पकड़ना। किसको रोकना है, किसको पकड़ना? मन को रोकना है और सत्य को पकड़ना है, इसे साधना कहते हैं। तो ये मन को बाधा कौन, चलायमान कौन करता है? आंख और कान, ये दो ऐसे द्वार हैं। इन दरवाजों से ही मन बिगड़ा है और इन्हीं दरवाजों को संत महापुरुषों ने साधना के वक्त में बंद करने का आदेश किया है। इनको बंद कर लो, ये मन की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। न देखेगा न भूखेगा, न जाएगा न भगेगा जो देखेगा नहीं। तो इसलिए भजन का मतलब क्या है कि मन की तरंग मारे दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, विषयों से ना जुदा है भोगों पर तू फिदा है, विषयों से ना जुदा है भोगों पर तू फिदा है, और इंद्री लगाम थाम लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, घर गृहस्थी में रहना निज काम काज करना, घर गृहस्थी में रहना निज काम काज करना, सतगुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन चित्त राखो निर्मल गुरु नाम जपो हर पल, मन चित्त राखो निर्मल गुरु नाम जपो हर पल, कहते गुरु जी धार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। प्रेमियों जब हम आत्मा के पेट से पैदा हुए थे सब शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ही पैदा हुए थे, कोई शराबी कबाबी चोर डकैत कतरी दुराचारी व्यभिचारी कर्मचारी नहीं पैदा होता, सब सच्चे ईमानदार। लेकिन जैसे परिवार में आपका जन्म हुआ, परिवार का जैसा खान पान मिला, परिवार की जैसी कमाई आपने खाई, बस उसी से यह सब बिगाड़ हो गया। फिर जैसी संग सोबत आपने अपना उससे बिगाड़ हुआ, बिगाड़ होने का यही कारण है। इसलिए कहा अगर अपने को बनाना है तो सत्संगत करो,
लिखा सत्संगत कितने करोड़ पुलसा, सत्संगत से संतों सज्जनों की संगत से कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारा बिगड़ा हुआ बन न जाए। ये बनाने का काम सत्संगत करे। सत्संगत कितने करोड़ पुलसा, सज्जनों की संगत से कौन सा ऐसा पूर्ण काम नहीं हो सकता, अच्छा काम नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे पास संतों की पहचान नहीं रही, और बाबा जी ने तो बहुत पहले कहा था आया ऐसा खराब का युग आ रहा है, तमाम लोग अपने नाम के आगे संत लिखेंगे, सदगुरु लिखेंगे, भगवान लिखने लगेंगे, सरकार लिखने लगेंगे। लेकिन प्रेमियों, झूठ का तो निर्णय होता लेकिन सत्य का भी निर्णय होगा, सच्चा संत कौन है। और आप देख भी रहे हो धीरे धीरे जो नकली जो संत नाम को बदनाम कर रहे हैं, संतों की यानी संत मत को खराब कर रहे हैं, वो धीरे धीरे सब पकड़ के बंद कर दिए जाए, आप जेल में हवा खाएंगे। और आप देख रहे हो धीरे धीरे शुरू भी हो गई। इसलिए तुम भक्त बनने आए हो कि भगवान बनने आए, तुम शिष्य बनने आए हो कि गुरु बनने आए हो। अरे तुम्हें तो शिष्य बनने का भक्त बनने का आदेश था कि भगवान गुरु बनने का आदेश था। ये जो तुमने बिगाड़ किया है उसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। ये सब चीजें प्रभु, देखो समय हो गया है, 3 घंटे पता नहीं चला और मैंने भी कुछ नहीं कहा, केवल सिर्फ एक मैंने इशारा जरूर किया। अभी तो इशारे कर रहा हूं, जब बताऊंगा